दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं उसकी चर्चा अभी हर जगह हो रही है। ये एक इंसान के जज्बे और जुनून की एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसे देखकर आप भी अपनी सफलता के बीच आने वाले पत्थरों को मामूली सा समझने लगेंगे। मूवी का नाम है श्रीकांत और IMDB रेटिंग है 8.2। सच कहूं दोस्तों तो राजकुमार राव ने इस मूवी को अपनी एक्टिंग से एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम आंध्र प्रदेश का सीन देखते हैं, जहां 13 जुलाई 1991 को मछलीपट्टनम नाम के एक शहर में एक लड़के का जन्म होता है। उस लड़के का पूरा परिवार बहुत खुश होता है, खासकर उसके पिता। उस लड़के के पिता अपने बेटे का नाम प्रसिद्ध क्रिकेटर श्रीकांत के नाम पर रखते हैं और यहाँ से उस लड़के का नाम पड़ जाता है श्रीकांत। श्रीकांत के पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक क्रिकेटर बने, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा तो जन्म से ही अंधा है। इसलिए वो लोग श्रीकांत को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उसे आज नहीं मारा तो ये दुनिया उसे रोज मारेगी। लेकिन जब श्रीकांत के पिता उसे मारने जाते हैं तभी उसकी माँ आकर अपने पति को रोक लेती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। और अब ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है और श्रीकांत अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो स्कूल में पढ़ने भी लग गया था। साथ ही वो अपनी क्लास का टॉपर स्टूडेंट होता है, लेकिन गांव में पढ़ाई की ज्यादा सुविधा ना होने के कारण श्रीकांत को उसके पिता शहर ले जाते हैं, जहां पर वो उसका एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन कराते हैं। यहां पर दृष्टिहीन बच्चों के लिए सब कुछ मुफ्त होता है और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है देविका मैडम से, जो कहने को तो उसकी टीचर थी लेकिन असल में वो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। श्रीकांत ने सोच लिया था कि वो दृष्टिहीन होने के नाते कठिनाइयों से भाग नहीं सकता बल्कि सिर्फ लड़ सकता है। देविका मैडम के सपोर्ट से श्रीकांत हर एक चीज में परफेक्ट हो गया था और स्कूल में हर बार फर्स्ट आया करता था। लेकिन एक दिन स्कूल के ट्रस्टी जब स्कूल में आते हैं तो वहाँ बच्चों को मोटिवेट करने और उनसे मिलने के नाते श्रीकांत के टॉपर होने की वजह से उसे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उस स्पीच के जरिए श्रीकांत स्कूल का पर्दाफाश कर देता है और सभी को बता देता है कि ये लोग हमारा ठीक से ख्याल नहीं रखते, किचन से हमेशा चिकन की बदबू आती है लेकिन हमें तो कुछ और ही खिलाया जाता है। अब क्योंकि श्रीकांत ने स्कूल वालों का पर्दाफाश कर दिया था इसलिए वो लोग श्रीकांत को धक्के मारकर अपने स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। श्रीकांत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। श्रीकांत को स्कूल से निकाले जाने की बात से देविका मैडम पूरी तरह से अनजान थी। यहाँ पर श्रीकांत शहर में भटक रहा था और ठोकरें खा रहा था। कुछ लोग उसे अंधा समझकर भीख देकर जा रहे थे लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन तभी देविका मैडम श्रीकांत को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। श्रीकांत उनसे मिलकर बहुत खुश होता है और उनसे रोते हुए कहता है कि उसे भिखारी नहीं बनना है, उसे आगे पढ़ना है। अब जाकर देविका मैडम श्रीकांत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है और फिर वो श्रीकांत से कहती है कि स्कूल वाले तुम्हें वापस लें या फिर ना लें, लेकिन मैं तुम्हें आगे जरूर बढ़ाऊंगी। तो देविका मैडम एक टेप रिकॉर्डर में श्रीकांत के लिए बहुत सारा सिलेबस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की सारी चीजें वो इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर देती है और श्रीकांत उन्हें आसानी से सुनकर याद कर लेता है और अपनी आगे की पढ़ाई इसी तरह से जारी रखता है। एग्जाम का टाइम आता है और देविका मैडम ने श्रीकांत की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करवाई थी इसलिए श्रीकांत के एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से जाते हैं। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि श्रीकांत ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, उसके 96% आए हैं। अब आगे की पढ़ाई श्रीकांत साइंस लेकर पढ़ना चाहता था लेकिन स्कूल वाले तो उसे साइंस सब्जेक्ट दे ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ उसे आर्ट्स दे रहे थे। लेकिन श्रीकांत कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ना है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्कूल वालों को ऐसा लगा था कि दृष्टिहीन होने की वजह से शायद श्रीकांत साइंस नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो हार्ड सब्जेक्ट होती है, इसलिए वो लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस करते हैं। अब कोर्ट में जज के सामने प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल 11th की साइंस की बुक को दिखाते हुए जज से कहते हैं कि क्या श्रीकांत इसे पढ़ पाएगा। श्रीकांत कोशिश करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि बुक के लेटर्स प्लेन होते हैं और दृष्टिहीन लोगों के लिए अलग डिजाइन की बुक्स आती हैं। अब प्रिंसिपल बोलते हैं कि श्रीकांत जब ये पढ़ नहीं पाएगा तो वो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएगा। तो श्रीकांत अपनी ब्रेली वाली बुक को निकालता है और प्रिंसिपल से उसे पढ़ने को बोलता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता। तो श्रीकांत कहता है कि इस कोर्ट रूम में बैठा कोई भी इंसान ब्रेली बुक को नहीं पढ़ सकता। वो कहता है कि सोचो अगर एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया होता तो तुम्हारे लिए इस बुक को पढ़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता। अब जज को श्रीकांत की बात समझ में आ जाती है और वो ये केस जीत जाता है और उसे उसके आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी दे दिया जाता है, जहां पर श्रीकांत खूब मेहनत करता है और आगे की पढ़ाई जारी रखता है। और वहां भी उसने चमत्कार करने शुरू कर दिए थे क्योंकि वो सभी से आगे था
और आंखें ना होने के बावजूद श्रीकांत उन सभी चीजों को आसानी से पढ़ पा रहा था, जो कोई चमत्कार से कम नहीं था। श्रीकांत हर चीज में नंबर वन बन जाता है। अब एग्जाम्स में उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं, जिससे IIT में भी उसका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ भी यही प्रॉब्लम आती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चलते ब्लाइंड लोगों के लिए कोई भी सीट नहीं है। हालांकि श्रीकांत भी समझ गया था कि वो सिर्फ पढ़ना चाहता है, इसलिए वो इस बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर कोई केस नहीं करता और वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रखता है और साथ ही वो क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देता है। दृष्टिहीन लोगों की पूरी कम्युनिटी साथ में क्रिकेट खेलती है और यहाँ भी श्रीकांत उन सभी से सबसे आगे था। और इसके बाद एक इनोवेशन में हम सर APJ अब्दुल कलाम को देखते हैं, जहाँ कलाम सर सभी से पूछते हैं कि सभी आगे क्या बनना चाहते हैं। और जब श्रीकांत की बारी आती है तो वो बोलता है कि सर, मैं इस देश का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कलाम सर उसका नाम पूछते हैं और उसे देखकर काफी खुश भी होते हैं, क्योंकि कलाम सर को उसमें काफी पोटेंशियल दिखी थी। अब इसके कुछ दिनों बाद ब्लाइंड क्रिकेट में श्रीकांत का नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देविका मैडम श्रीकांत को बताती हैं कि तुम्हारा अमेरिका की सबसे बड़ी MIT यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्रिकेट छोड़ना होगा। यहाँ श्रीकांत बोलता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है और उसके बाद ही कोई दूसरी चीज। अब श्रीकांत उन यूनिवर्सिटीज में से बोस्टन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता है और US के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो हैदराबाद एयरपोर्ट पर अकेला था, इसलिए दृष्टिहीन होने की वजह से उसे अकेले ट्रेवल नहीं करने दिया जाता है। तभी श्रीकांत प्लेन के सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, जिसे देखकर सभी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और फाइनली उसके जज्बे को देखकर उसे यहाँ से US के लिए फ्लाइट दे दी जाती है और US पहुंचकर उसे एडमिशन भी मिल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद श्रीकांत के कुछ दोस्त बने और यहाँ श्रीकांत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमेशा की तरह यहाँ भी श्रीकांत टॉपर था और यहाँ पहुँचने के बाद उसने कई सारी चीजें सीखी और लोगों ने भी उसे अपने से अलग नहीं रखा था। सभी उसे काफी अप्रिशिएट करते थे। श्रीकांत ने यहाँ पर बेसबॉल का एक रिकॉर्ड बनाया था। उसने इतनी जोर से बेसबॉल की बॉल को हिट किया था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और उसकी मैगजीन छपने लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगा था। और इन सारी चीजों को देखकर हैदराबाद में रहने वाली स्वाति नाम की लड़की, जो श्रीकांत से इम्प्रेस होकर कुछ महीनों बाद अमेरिका आ जाती है और यहाँ पर दोनों की बातें शुरू होने लगती हैं। स्वाति श्रीकांत को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि स्वाति के नजरों में श्रीकांत बहुत ही ज्यादा अलग था। लेकिन स्वाति ने श्रीकांत को कभी ये फील नहीं होने दिया कि उसके पास आंखें नहीं हैं। स्वाति श्रीकांत को काफी पसंद करती थी और उसे ऐसा लगता था कि श्रीकांत उसके लिए ही बना है। साथ ही श्रीकांत भी उसकी कंपनी एंजॉय करता था। अब श्रीकांत का MIT पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो इंडिया वापस नहीं जाना चाहता है और USA में रहकर ही जॉब करना चाहता है। तभी देविका मैडम का कॉल आता है और श्रीकांत उनसे भी यही कहता है कि वो USA में रहकर ही जॉब करेगा, क्योंकि यहाँ उसे अच्छा लगता है। तब देविका मैडम भी उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब ये बात वो स्वाति को बताता है तो वो श्रीकांत को समझाती है कि अगर तुम USA में रह गए तो किसी की भी जिंदगी नहीं बदल पाओगे, पर इंडिया में तो तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं और इंडिया जाने से तुम उन लोगों के लिए एक मिसाल बनोगे और तुम ही हो जो उन लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, इसलिए उनका पूरा फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सब सुनने के बाद श्रीकांत को भी बातें समझ में आने लगती हैं और वो तुरंत इंडिया के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पहुंचकर श्रीकांत स्वाति वाली बात देविका मैडम को बताता है और कहता है कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर देविका मैडम कहती हैं कि हम उन्हें कंप्यूटर सिखा सकते हैं ताकि वो किसी अच्छी जगह जॉब कर सकें। तो अब दोनों मिलकर इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं और एक कंप्यूटर सेंटर खोल लेते हैं। यहाँ पर वो काफी सारे ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर तो सिखा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं पर भी उन लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उन्हें अपना कंप्यूटर सेंटर बंद करना पड़ता है। तब श्रीकांत देविका मैडम से कहता है कि अगर इन लोगों को कोई जॉब नहीं दे रहा है तो इन सभी को जॉब हम देंगे। देविका मैडम बोलती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो श्रीकांत देविका मैडम को पैकेजिंग पेपर के बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन इस बिजनेस के लिए उन्हें फैक्ट्री चाहिए और ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा। अब इस काम में मदद के लिए श्रीकांत कलाम सर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि कलाम सर उससे कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है और वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे और वो श्रीकांत को 25 लाख रुपए का चेक दे देते हैं। लेकिन इतने पैसे से काम शुरू नहीं किया जा सकता, अभी भी उन्हें बहुत बड़े इन्वेस्टर की जरूरत थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जहाँ भी वो लोग फंडिंग मांगने के लिए जाते हैं
उन्हें हर जगह से सिर्फ ना ही मिल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद श्रीकांत एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रवि से मिलता है। यहाँ पर वो रवि को पैकेजिंग पेपर के बिजनेस के बारे में बताता है और साथ में उसे ये भी बताता है कि 25 लाख रुपए कलाम सर ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। ये सुनने के बाद रवि श्रीकांत को पैसे देने के लिए मान जाता है और अब रवि और श्रीकांत मिलकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीद कर काम शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो रिसाइकलिंग पेपर को पैकेजिंग पेपर के रूप में बदलते हैं और इस फैक्ट्री में सारे ब्लाइंड लोग काम करते हैं। उन सभी को जॉब मिलती है और सैलरी होती है 8,000 रुपए महीने। श्रीकांत भी इसमें एक वर्कर के रूप में काम करता है और उसे भी 8,000 रुपए ही मिला करते हैं। श्रीकांत का ये काम बहुत ही अच्छे से चलता है और हर महीने हर साल श्रीकांत और उसके लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन इन सब का क्रेडिट सिर्फ रवि को मिल रहा था और ये सारी चीजें श्रीकांत को अच्छी नहीं लगती। उसे ऐसा लग रहा था कि आइडिया तो मेरा था पर कोई भी मुझे प्रेज नहीं कर रहा है। यहाँ श्रीकांत मन ही मन ये भी सोच लेता है कि उसे तो अपने इस बिजनेस आइडिया के लिए अवार्ड भी मिलना चाहिए और वो किसी भी हाल में ये अवार्ड पाना चाहता था। पर रवि का कहना था कि शायद उसे ये अवार्ड ना मिले, लेकिन श्रीकांत तो जिद पर अड़ा था कि वो अवार्ड लेकर ही रहेगा। इसलिए वो रवि के साथ मिलकर एक और फैक्ट्री खरीद लेता है जो कि 6 करोड़ की थी और इन लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को 6 महीने में उसके पैसे चुकाने की बात की थी। पर अब हम देख पाते हैं कि श्रीकांत का रवैया बदलने लगा है और अब वो देविका मैडम से ठीक से बात नहीं करता है और ना ही रवि से, जबकि रवि उसका बहुत ही खास दोस्त है। श्रीकांत अब अपने आप को सबसे ऊपर रख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन सबसे काफी कुछ ज्यादा जानता है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अब उस अवार्ड को पाने का सपना ही देखता रहता है जिससे उसका नाम हो और वो भी बड़ा आदमी बन सके। अब नाम बनाने के चक्कर में वो पॉलिटिक्स में उतर आता है, जहां एमएलए श्रीकांत को टिकट दे देना चाहती है, लेकिन देविका उसको ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि पॉलिटिक्स में आकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन श्रीकांत बोलता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आपकी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है और देविका मैडम उसे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती। इसके बाद जब श्रीकांत उस एमएलए के ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि एमएलए तो सिर्फ उसके अंधेपन का फायदा उठाकर इलेक्शन जीतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे पार्टी में शामिल किया। और होता भी ऐसा ही है, उस पार्टी के मेंबर्स श्रीकांत के अंधेपन का पूरा फायदा उठाते हैं। और जब श्रीकांत को इस बात का एहसास होता है तो वो सोचता है कि रवि और देविका मैडम ने उसे आज तक अंधे होने का एहसास नहीं कराया और आज वो उन्हें ही अपने तेवर दिखा रहा है। ये सब होने के बाद श्रीकांत सीधा देविका मैडम के पास जाता है और उनसे अपने किए के लिए रोते हुए माफी मांगता है, जिस पर देविका मैडम उसे माफ कर देती हैं, क्योंकि वो तो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। इसके बाद श्रीकांत रवि के पास जाकर उससे भी माफी मांगता है, जिस पर रवि भी अपने दोस्त को माफ कर देता है। इसके बाद श्रीकांत कहता है कि हम उस फैक्ट्री वाले को 6 करोड़ रुपए भी जल्दी चुका देंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे, जिसके बाद अब सब कुछ सही हो जाता है और श्रीकांत की मेहनत के दम पर उसे एक दिन स्पेशल कैटेगरी में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। श्रीकांत यहाँ अपने अंधेपन और अपनी हिम्मत पर एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है कि हम लोग अंधे हैं तो क्या हुआ, पर हम किसी से भी कम नहीं हैं, इसलिए हमें एक मौका देकर जरूर देखिए, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। साथ ही वो कहता है कि वो इस स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर अगर किसी दिन उसे नॉर्मल कैटेगरी से ये अवार्ड देते हैं तो वो उसे खुशी खुशी ले लेगा। अब ये सब सुनने के बाद श्रीकांत के लिए लोग तालियां बजाने लगते हैं और लोगों के मन में श्रीकांत के लिए इज्जत काफी बढ़ जाती है और इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी रोचक और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।